Assalamu alaikum, dear students. You are welcome in this offline class. This poem is Palanquin written by Sarojini Naidu for class 9th. And today we will recite second part of the poem. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. Pehle maini sun lo, softly, narmi se. Bear, bardasht karna, her along, barabar barabar. Hangs, latkana, latkana. Star, tara, dew, ons. Song, geet. Spring, chashma. भी होता है वो तेज़ी से चलना भी होता है बीम होता है किरण ब्रो ऑफ द टाइड ब्रो छोटी सी लहर टाइड मदोजर ही फास्ट लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ द ब्राइड लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन द स्ट्रिंग She falls like a tear from the eyes a bright. So in these lines, the Palanquin bears say that they are carrying the bride in the palanquin very softly. In the dew of their song, she looked like a star hanging in the sky. She looks like a beam springing on the top of the tide. When the spring dawns, she looks like a tear. She looks like a tear falling from the eyes of the bride. The parents will. Palanquin bearers go gliding with the palanquin on their shoulders. While they are thus carrying the bride, she looks like a pearl on the string. Pyare bacho, jo palanquin bearer hai softly aur softly, narmi ke saath usko uthate hain, badi ehtiyat ke saath bride ko uthate hain. और अपने गानों की गूंज में जो होता है ऊँस के कतरे जैसे होते हैं इस तरह से वो जो ब्राइड है वो एक तारे की तरह लटके हुए तारा जैसे आसमान में होता है इस तरह से दिखाई देती है एक और फिर ये दिखाई देती है जैसे एक बीम में किरण होती है जो तेजी से चलती है टाइड में मदो जजर में मदो जजर क्या होता है कि पहले समुद्र के अंदर छोटी लहर आती है फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी और बड़ी से बड़ी बनती जाती है तो इस तरीके से उस लहर की तरीके से वो दिखाई देती है जब स्प्रिंग जो है डॉन होता है खत्म होने पर आता है कि लुक लाइक ए फॉलिंग कि लुक लाइक ए टीयर फॉलिंग फ्रॉम द आइज ऑफ द ब्राइड उसी तरीके से उसकी आँखों से आँसू जारी होते हैं जैसे वो मदो जजर लहर उठती है और आस्ता आस्ता फैल फैल के फिर मतलब डॉन होती है इसी तरीके से उस ये सिमिलीज है उस समुद्र की लहर के साथ टाइड के साथ उसको दी जाती है कि जैसे समुद्र में लहर आती है टाइड जाते हैं तो लहर आस्ता आस्ता स्प्रिंग जो है उसमें चश्मा किस्म का होता है वो पानी जो आस्ता आस्ता डाउन होना शुरू होता है फिर जुलम किया आँखों से आँखें जारी होते और आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म हो जाते हैं आँखें इस तरीके से वो जुलम दिखाई देती है तो प्यारे बच्चों क्योंकि जुलम के आँखों की जहाँ तक बात है कि जब ये जुलम अपना दर छोड़ती है अपने ससुराल जाती है तो उसको अपने मायके की बहुत याद आती है पेरेंट्स की याद आती है जहाँ उसने बचपन गुजारा हुआ होता है और फिर जब वो अपने ससुराल जाती है तो एक
शायद से उसको खुशी भी होती है कि अपने से हस्बैंड के साथ जा रही है, लेकिन दुख भी उसको होता है कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रही है। तो उसके आँखों में आँसू आते हैं। Like you, like you will glide and we sing, we bear her along like the fell on the snow. इसी तरीके से Palanquin देव ग्लाइडिंग करती है आसपास लाइक आसपास का Palanquin देव ग्लाइड करते हुए उन उठाने वालों के शोल्डर का जो वजन आता है वो वजन मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसको गाने की गूंज में वो लेके जा रहे थे। और जब वो उसको उठाए हुए थे ब्राइड को, तो ब्राइड जो वो एक मोती की जैसे लड़ी होती है इस तरीके से मोती पड़े हुए रस्सी में है इस तरीके से वो दिखाई देती है। तो कोई मुश्किल जो रोड है वो देख लो कि डियर बर्दाश्त कर अलॉन्ग ब्रदर ब्राइड लाइक टर्न कहते हैं मोती को, स्ट्रिंग के ट्रेन धागा या रस्सी को लाइटली लाइटली हल्के से ग्लाइड होता है किस में स्ट्रिंग होता है गाने उसके बाद जो होता है आई या ब्राइड या ट्रेन जुलून को बीम होता है किरण ग्रो ग्रो होता है छोटी सी लैर व्यू होता है मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से आपको जरूर समझ आएगी। तो इसी के साथ ये पॉइंट कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।